नगर के वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार को धमकी मिली है और कहा गया है कि तू निर्दलीय चुनाव ना लड़े, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी धमकी भरा मैसेज पोस्ट किया गया है, जिसके बाद फरियादी द्वारा नसरुल्लागंज थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की है। दरअसल पूरा मामला नसरुल्लागंज का है, जहां वार्ड क्रमांक 13 से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश माहेश्वरी पिता ओम प्रकाश माहेश्वरी, जो कि पार्षद हेतु चुनावी मैदान में है, जहां निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार के घर महेंद्र विश्वकर्मा निवासी शास्त्री कॉलोनी नसरुल्लागंज आया और गंदी गंदी गाली देते हुए कहने लगा कि यदि तूने गौरव शर्मा के विरुद्ध लड़ेगा तो ये जान से दूंगा तथा तुम्हारी दुकान पे छापा पड़वा दूंगा। इसके साथ ही घर के सामने गंदी गालियां देते हुए फरियादी के साथ चुम्मा झटकी की एवं सोशल मीडिया पर धमकी गाली वाला पोस्ट डाली गई। इसके बाद फरियादी में भय का माहौल है। उक्त बातें आवेदन में उल्लेख की गई और नसरुल्लागंज थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया और उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। आज जो आपने आवेदन दिया थाने में, किस वजह से दिया? मैं वार्ड क्रमांक 13 नसरुल्लागंज से चुनाव लड़ रहा हूँ और एक व्यक्ति ने आकर मेरे घर पर गाली बक के गया है कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, चुनाव जो लड़ रहा है वो मेरा व्यक्ति है, और गाली गुप्ता भी की है। इसके बाद में अपशब्द भी बोले और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला, मेरे पिताजी से भी न जाने क्या क्या बोल के गए हैं और सामाजिक स्तर पर भी गालियाँ दी हैं सोशल मीडिया, और मेरी आत्मा को बहुत ठेस लगी है और मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई। अभी आपने कहां कहां पर आवेदन दिए? मैंने अभी नसरुल्लागंज थाने में आवेदन दे दिया है और एसडीएम साहब को भी देने जा रहा हूं। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे प्रशासन से कार्रवाई चाहता हूं कि जो समाज को क्षति पहुँची है, जो ठेस लगी है, उसके लिए उस आदमी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।